नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रियाज वैष्णव और स्वागत है आपका अपने चैनल OMG में। फिर से स्वागत है दोस्तों आपका डिफरेंस बिटवीन की सीरीज में, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन JPEG एंड SVG। शुरू करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत से अच्छे अच्छे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सके। बात करते हैं JPEG और SVG की। दोनों ही जो है वो इमेज फॉर्मेट्स है जो कि इमेज को स्टोर करने के यूज में आते हैं। पहले बात करते हैं JPEG की। JPEG जो है वो 1986 के अंदर आया था और JPEG जो है वो काफी कम स्टोरेज स्पेस लेता है, तो इसको डाउनलोड और अपलोड करना दोनों ही बहुत जल्दी हो जाते हैं। JPEG के अंदर हम मिलियन ऑफ कलर्स को सपोर्ट करता है, तो ये जो हमारे रियल लाइफ इमेजेस मतलब कि फोटोग्राफ्स जो है उसके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है। ये हमारी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया के ऊपर जो हम पोस्ट करते हैं उसके लिए भी बहुत ही अच्छी चॉइस है। यहाँ तक कि इसके अंदर जो हमारे डिजिटल कैमराज और स्मार्टफोन से जो हम पिक्चर क्लिक करते हैं वो भी हमारी JPEG फॉर्मेट के अंदर ही सेव होती है। JPEG जो है वो लॉसी होती है, मतलब कि इसके अंदर कंप्रेशन के ऊपर जो हमारा डाटा है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, वो डिलीट हो जाती है परमानेंटली। मतलब कि इसकी जो क्वालिटी है वो लॉस हो जाती है कंप्रेशन के ऊपर। बात करते हैं SVG इमेज की। SVG सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फाइल टाइप्स के अंदर। ये 2001 के अंदर आई थी और ये जो है एक वेक्टर इमेज फाइल फॉर्मेट है और ये एक बहुत ही पावरफुल फाइल फॉर्मेट है अगर हम वेब के बारे में बात करें तो। SVG इमेजेस जो रहती है वो बाकी इमेजेस से बहुत ही क्रिस्प और क्लियर रहती है किसी भी रिजोल्यूशन और साइज के ऊपर, क्योंकि SVG जो है वो जो इमेजेस है वो शेप्स और कर्व्स जो होते हैं उसके अंदर वो मैथमेटिकली बने होते हैं, तो पिक्सल से नहीं बने होते, तो वो बहुत ही काफी क्लियर होती है। SVG को हम एनिमेट भी कर सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी भी सपोर्ट करती है और इसके अंदर कोई भी कलर कॉम्बिनेशन या फिर ग्रेडियंट हम यूज में ले सकते हैं। SVG जो होती है वो लॉसलेस होती है, मतलब कि GIF और PNG की तरह होती है। इसके अंदर क्या होता है, डाटा लॉस नहीं होता कंप्रेशन के ऊपर। इसका जो साइज है वो बाकी फॉर्मेट्स जो है वेब के उनसे थोड़ा ज्यादा होता है। तो चलिए इनके अब डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस है हमारा, JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप और SVG की फुल फॉर्म होती है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, JPEG जो है वो एक रास्टर इमेज फॉर्मेट है जबकि SVG जो है वो एक वेक्टर इमेज फॉर्मेट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, JPEG जो है वो एक लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम को यूज करती है कि SVG जो है वो लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम को यूज करती है, मतलब कि JPEG के अंदर जो है वो कंप्रेशन के ऊपर हमारा डाटा जो है वो लॉस हो जाता है जबकि SVG के अंदर हमारा कंप्रेशन के ऊपर कोई भी डाटा लॉस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। JPEG के अंदर जब हम किसी इमेज को जूम करते हैं तो उसकी जो इमेज क्वालिटी है वो डिक्रीज होती है, मतलब कि हमको जैसे जैसे हम जूम करते जाएंगे तो वो हमको धुंधला धुंधला ब्लर ब्लर दिखता जाएगा, जबकि SVG के अंदर कोई भी इमेज क्वालिटी जो है वो लॉस नहीं होती, मतलब कि कितना भी जूम कर लो उसको हमको वैसे की वैसी इमेज ही वो दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। JPEG इमेज जो है वो फिक्स नंबर ऑफ पिक्सल से बनी हुई होती है, वो हमको नीचे दिया हुआ होता है कि इसके अंदर जो है वो इतने पिक्सल्स की इमेज है, जबकि SVG जो है उसको हम मैथमेटिकली बनाते हैं, पाथ से बनाते हैं, तो उसके अंदर कोई पिक्सल्स का यूज में नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। JPEG इमेजेस फाइल्स जो होती है वो एडिटेबल नहीं होती, मतलब कि उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते बाद में, जबकि SVG जो है वो टेक्स्ट बेस्ड इमेजेस होती है, तो उसके अंदर चेंज करना, एडिट करना उसको बहुत ही ईजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हम किसी एक इमेज की बात करें तो अगर वो JPEG के अंदर है तो उसकी साइज जो है वो स्मॉल होगी, जबकि वही इमेज अगर SVG के अंदर है तो उसकी साइज जो होगी वो लार्जर होगी स्पेस के मामले में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। JPEG इमेजेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट नहीं करता जबकि SVG जो है वो ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। JPEG इमेजेस के अंदर एनिमेशन सपोर्ट नहीं करता जबकि SVG इमेजेस के अंदर एनिमेशन भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, JPEG के अंदर जो एक्सटेंशन यूज में लेते हैं वो है .jpg और .jpeg, जबकि SVG के अंदर केवल एक ही एक्सटेंशन यूज में आता है .svg ही। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
जेपीईजी को मोस्टली हम फोटोग्राफी मतलब कि फोटो जो क्लिक करते हैं हम कैमरा से स्मार्टफोन से उनके लिए यूज में आता है। एसवीजी जो है वो हाई पिक्सल डेंसिटी डिवाइसेस जो होते हैं उनके लिए यूज में आता है, मोस्टली वेब जो होती है उसके अंदर यूज में आता है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये हमारी एक जेपीजी और एसवीजी इमेज है। इसके अंदर आप देखेंगे कि ये हमारा जो है पीछे से ट्रांसपेरेंट है जबकि जेपीजी जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये बेसिकली हमारी एक एक इमेज ले रखी है मैंने डिफरेंस देखने के लिए। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस जेपीजी और एसवीजी में। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए ताकि बहुत से अच्छे अच्छे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सके। और कमेंट कर बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई क्वेरी या सजेशन है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट कर बताएं। और रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।